सीसीटीवी चेक करा, आपको मुझ पर एतबार नहीं था? अरे ऐसी बात नहीं है, तुम पर मुझे पूरा एतबार है, लेकिन ये भी तो देखना जरूरी था ना कि कहीं शॉप वाले जो है वो कोई झूठ ना बोल रहे हैं। बाकी सीसीटीवी तो आपने देख ही ली, अगर हमारे घर में कैमराज होते ना तो मैं आपको दिखाती कि जब मैं वापस आई थी ना तो बैग मेरे हाथ में नहीं था। मुझे तुम पे एतबार नहीं है अब हमजा, एक दफा पहले मुझे छोड़ के जा चुके हो, दूसरी दफा भी जा सकते हो, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। बात सुनो मेरी। वो ठीक हो गया उसका? हाँ मूड तो ठीक है। वैसे मैं सोच रहा था क्या जरूरत थी इतनी इन्वेस्टिगेशन करने की, सीसीटीवी फुटेज निकालने की, अच्छा नहीं लगता। साथिया तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझे तुम पे एतबार नहीं है अब हमजा, एक दफा पहले मुझे छोड़ के जा चुके हो, दूसरी दफा भी जा सकते हो, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। बात सुनो मेरी। नवाल, अगर तुम फ्री हो तो मैं पूछने आई थी कि निकलना है कब तक है। अब तुम बस वेट करो, मैं आ रही हूँ। ओके। मेरी बात सुनो। नहीं तुम मेरी बात सुनो, आज के बाद मेरे करीब होने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खूबसूरत क्यों हो? डरा दिया आपने मुझे, कहाँ थे आप, मैं कब से वेट कर रही हूँ आपका। I'm so sorry. एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में था, फ्री होते ही आया हूँ। कॉल आ रही, एक्सक्यूज मी। हेलो भाभी, भाभी एक जरूरी काम से आया हूँ। सब मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? मेरी शक्ल पे कुछ लगा है? नहीं मैम, कुछ लगा हुआ तो नहीं है, बल्कि क्या मतलब
आपको और बॉस को लेके ऑफिस में बातें हो रही हैं। क्या बातें हो रही हैं? यही कि आपको और बॉस का अफेयर चल रहा है। नहीं, फजूल बकवास कर रहे हैं। कुछ नहीं चल रहा मेरे और बॉस के दरमियान, गलत फहमी हुई है सबको। मैम, कल रात में जो कुछ हुआ और जिस तरह बॉस ने आपका हाथ पकड़ा हुआ था, जो भी देखेगा उसे गलत फहमी हो ही जाएगी। तुम्हें किसने बताया? पूरे ऑफिस में ये बात फैली हुई है मैम, सारा चस्के ले लेके बता रही है सब। फोड़ा, कहाँ चली गई थी तुम? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। हाँ देखा मैंने, कितनी बेचैनी से ढूंढ रहे थे मैं। तुम्हें हंसी आ रही है, तुम्हारे लिए मजाक है ना? मेरी जान निकल गई थी, मुझे लग रहा था जैसे मेरी दुनिया में अंधेरा आ गया हो। इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे? तुम्हें शक है मेरी मोहब्बत पर? आइंदा ऐसा कभी मत करना। अच्छा, यही चाहते थे ना तुम, मेरा तमाशा बन जाए। क्यों बनवा? कितना कहा था कि हमारे माजी को दफन नहीं रहने दो, मत डिस्कस करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। और देखो, ऑफिस में सबको पता चल गया मैं किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही, सब मुझे अजीब नजरों से देख रहे हैं। संभालो, जो कुछ भी है वो गैर इरादी तौर पर, ना तुम ऐसा चाहती थी ना मैं, पर वैसे भी एक ना एक दिन तो सबको पता लगना था ना। क्या तुम अब भी यही कह रहे हो? हाँ, मैं अब भी ये कह रहा हूँ, कल भी तो सबको पता लगना ही था, आज पता लग गया क्या फर्क पड़ता। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम मुझे। खबरदार तुमने आइंदा मुझसे ये कहा। मैं नफरत करती हूँ तुमसे, इतनी के लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। मुझे सारे जमाने के सामने जलील और रुसवा करने के बाद मुझसे मोहब्बत के दावे कर रहे हो? ये होती है मोहब्बत? तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं होगी लेकिन मेरे लिए है। इतनी सवाल करती हूँ कि किस किस को जवाब दूँ, ये है तुम्हारी मोहब्बत का सिला? तुमने मुझे सारे जमाने की नजरों से गिरा दिया है, मुझे पहले दिन ही रिजाइन कर लेना चाहिए। तुम्हारी बात मान के मुझसे बहुत बड़ी गलती है। नवाल, तुम ऐसा कुछ नहीं करो। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? इतनी इंसल्ट के बाद मेरे यहां रुकने का कोई जवाब नहीं बन। तुम कह रही हो ना लोग अच्छे हैं तो यकीनन अच्छे होंगे, आई ट्रस्ट यू। देखो सुल्ताना, ऐसे रिश्ते ना रोज रोज नहीं मिलते। तुम नवाल से बात तो करो, उसे तुम्हारी बात सुननी चाहिए, आखिर तुम उसकी माँ हो, समझाओ उसे। यार मैंने नवाल से बात की थी, वो कहती है उसे थोड़ा वक्त चाहिए। फलक की शादी पहले कर रही हूँ, नवाल बड़ी है, अभी तो उसके रिश्ते आ रहे हैं, कुछ टाइम गुजरेगा ना तो फिर नहीं आएंगे, फिर तुम्हें बहुत अफसोस होगा कि तुमने उसकी बात क्यों मान ली। तुम उससे बात करके देखती हो? देखो, उन लोगों के पास और भी प्रपोजल्स हैं, ये रिश्ता बहुत अच्छा है, लड़का आईटी इंजीनियर है, माशाल्लाह सुलझा हुआ और समझदार, छोटी सी तो फैमिली है, बस माँ और दो बेटे, बाप की डेथ हो चुकी है, उनका अपना जाती घर है, उसके अलावा भी प्रॉपर्टीज हैं, लड़की वालों को और क्या चाहिए? ये तो सही रही हो तुम। मैंने उन लोगों के सामने नवाल का जिक्र किया था, उन्हें नवाल जैसी ही लड़की चाहिए, सुलझी हुई और समझदार। देखो सुल्ताना, अब वो लोग और इंतजार नहीं करेंगे। चलो मैं बात करके देखूं।
अरे नवाल, कैसे हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और जॉब कैसी चल रही है तुम्हारी? बिल्कुल ठीक, मैं जरा चेंज करके आई। देखो सुल्ताना, परेशान मत हो, बिल्कुल भी टेंशन ना लो, मैं गारंटी देती हूँ, बहुत ही अच्छी फैमिली है, बस तुम बिस्मिल्ला करो, वो लोग नवाल को हथेली का छाला बनाकर रखेंगे। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, तुम्हारी कॉल का इंतजार करूँगी। मैं नवाल से बात करके तुम्हें बताऊँगी। ओके, आयुष्मान जाए वो। इंशाल्लाह, डोंट वरी। ओके, अल्लाह हाफिज। आ जाओ। वेलकम। अपने घर क्यों ले आए आप मुझे? अपना घर नहीं, तुम्हारा घर, बल्कि हमारा घर। कबीर, ऐसे अच्छा नहीं लगता, मम्मा को, नवाल आपे को, किसी को नहीं पता, और आलिया भाभी क्या सोचेंगी? कितनी फिक्र है ना सबकी, कोई कुछ नहीं सोचेगा, जस्ट रिलैक्स। चलो आओ तो सही। कौन? फलक। अरे भाभी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, तुम भी यहाँ देख के वो खुशी हुई मुझे। कबीर, मैं असल में ऊपर तुम्हारे रूम में ही जा रही थी, अच्छा हुआ तुम आ गए, सेटिंग करनी है, अब आ जाओ साथ ही करते हैं। भाभी अभी कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई, टाइम में कितना रह गया, 2 दिन रह गए शादी में, ये सारे काम करने भी तो जरूरी है। भाभी इसीलिए तो फलक को लेकर आया हूँ ना, ये बताएगी कि कमरे की सेटिंग कैसी होनी चाहिए। मैं क्या बताऊंगी? अरे तुमने तो कहा था कि तुम कमरा अपनी मर्जी से सेट करना चाहती हो, इसीलिए मैं ले आया। कबीर वो तो मैंने मजाक से कहा था ना, अब इसमें मजाक की क्या बात है? आलिया भाभी है ना, वो कर देंगे हमारा रूम डेकोरेट। बहुत अच्छा किया कबीर ने जो ये तुम्हें ले आया, भाई तुम लोगों का कमरा है, अपनी पसंद से सेट करो उसे। नहीं ये क्या बात हुई, पूरा घर आपने अपनी मर्जी से डेकोरेट किया और बहुत अच्छा किया, तो फिर हमारा कमरा क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारा कमरा है तो तुम दोनों अपनी पसंद से सेट करो। अब आ भी गई हो तो अच्छा है ना, जाके देखो ऊपर चीजें, मैं तुम दोनों के लिए चाय भिजवाती हूँ, ठीक है? थैंक यू भाभी। चलो चलो चलो, ये सारे काम जल्दी होने हैं। अम्मी, अरफान जी चली गई? जी बेटा चली गई, तेरा बैठो, मुझे बात करनी है तुमसे कुछ। जी जी बताएं। भाई वो अरफान उस रिश्ते के बारे में पूछ रहे हैं जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था, वो कह रही हैं कि फैमिली बहुत अच्छी है, अब तुम बता दो कि करना है या नहीं करना, ताकि मैं जवाब दूँ उन्हें। अच्छा रिश्ता है, आज नहीं तो कल शादी तो करनी है ना, तो फिर एक अच्छा रिश्ता आया है, यहाँ शादी करने में क्या मजायका है? देखो नवाज बेटा, अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है, कोई खदशा है, तो मुझसे शेयर करो कम से कम। मुझे कोई एतराज नहीं है, आप उन्हें बुला लो। क्या वाकई मैं बुला लूं, तुम राजी हो? तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया, तुम्हें पता है? आरफा कह रही थी बहुत सुनचे हुए लोग हैं, बहुत अच्छा खानदान है, हमारी नवाल बहुत खुश रहेगी वहां पर। पक्का बुला लूं ना कल? जी। मैं जरा तेरा शुक्र मेरे वाले। एक मेरी जिंद कली दुख ने हजार वे टूटे आए मान मेरा की कवा यार वे लंबी जुदाई तेरी रख दे वे साड़ के आवे
मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। तूने अपनी अम्मी को तुम्हारे घर पे भेजा। पापी, पापी, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। क्या हो गया? कितनी खुशी हो रही है? मामा ने बताया आपने शादी के लिए हाँ कर दी है। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। मामा ने कल लड़के वालों को इनवाइट भी कर लिया। अच्छा, अपने लैक्स तो साइड में रखो। लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ फिर भी। अगर आप पहले शादी का फैसला कर लेती तो मुझसे पहले आपकी शादी हो जाती। पता है मेरे कितने अरमान थे, मैं कितना कुछ करना चाहती थी, इतना एंजॉय करती आपकी शादी पर। तो अब भी एंजॉय करोगी? मैं सारे अरमान पूरे करना कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। लेकिन मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ सच में। यहाँ आपको एक मजे की बात बताती हूँ। यहाँ बैठे, आपको पता है कबीर मुझे घर लेकर गया था। घर किस लिए? वो चाहते थे कि हमारे रूम की डेकोरेशन मैं खुद करूं, अपना कमरा खुद सेट करूं। कह रहे थे कि जिस तरह तुम्हारा दिल करता है उसी तरह सेट कर लो। तू कबीर के घर गई थी? हाँ, और पता है पहले तो आलिया भाभी कर रही थी ना, लेकिन कबीर ने उन्हें मना कर दिया। वो इतनी शर्मिंदा हो गई। नहीं, ये कबीर ने बहुत गलत किया है, ये नहीं करना चाहिए था। अगर वो कर रही थी तो करने देते, मतलब वो बड़ी है। मैं भी बहुत शर्मिंदा हो गई थी, मगर मैंने तो कबीर को इतना मना भी किया, लेकिन कहने लगे नहीं, जिसने रहना है वही अपना कमरा सेट करे ना, उसी की मर्जी से होगा। फिर अब मैं क्या ही कहती। नहीं, हद तक तुम्हें मना कर देना चाहिए था, बड़ों की रिस्पेक्ट होती है। खैर छोड़े, आप ये देखें ना, ये देखो मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, आपको पसंद आएगा। ये वाला देखें, ये कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा है। और ये भी है, ये देखो। तुम्हारे आने का क्या फायदा हुआ बेटा? जिस काम के लिए बुलाया था वो तो हुआ नहीं। मैंने बात की है हमजा से, he wants some time. Some time? उसकी उम्र देखी है तुमने? और कितना वक्त चाहिए उसे बेटा? It's ridiculous. क्या चाहता है ये लड़का? मामा, वो actually he likes his university fellow. वो अपनी university fellow को पसंद करते हैं। What? नहीं, मुझे तो उसने ये बात कभी मेंशन नहीं की। How can it be? आने तो उसे, मैं उससे बात करती हूँ। Strange. जी, अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हैं आप? क्या? क्या हो गया? क्या हो गया नवीन को? क्यों? मैं आती हूँ। क्या रिया, क्या हो गया बताओ? नहीं, क्या? अम्मी ने सीढ़ियों से गिर गई है, उसकी हालत खराब है, मामा को इमरजेंसी में है। क्या वो अजब रो क्यों रहे हैं? नवीन गिर गई है सीढ़ियों से, इमरजेंसी में है बेटा। और तो असद भाई के दर्द है। पता नहीं, आप सब मेरी बाप से टिकट करा दो। यही निकाल मेरे भी साथ करा दो, मैं साथ जाऊंगी इसके। मैं पता कर, चल मैं अपनी पैकिंग करा। ओह वाह मम्मा, ये तो बहुत खूबसूरत है, देखे अच्छे लग रहे हैं। बहुत प्यारे, ये देखो। तो बहुत भारी है मम्मा। हाँ भारी तो है, मेरी सास ने दिया था मुझे। लेकिन तुम्हें पता है मैं कहाँ पहनती हूँ इतनी भारी ज्वेलरी? अब तुम्हारी तो सारी तैयारी हो गई, मैं सोच रही हूँ सब उठा के नवान के लिए रख दो। क्यों नवान? कबीर बता रहे थे कि उन लोगों ने गोरी के 4 सेट लगाए हैं और हमने तो हमारी तरफ से 2। अम्मी, आपको ये थोड़ा कम नहीं लग रहा? नहीं, आप लोग पहले इतना कर चुके हैं, 2 सेट काफ़ी हैं। मैं मज़ीद आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। अरे किस तरह की बातें कर रही हूँ? तुम्हें पहले भी मैंने कितनी दफ़ा कहा है ना, बेटियाँ क्या माँ बाप पर बोझ होती हैं। और जब तुम्हें कबीर ने बता दिया था कि उनकी तरफ से 4 सेट हैं, तो तुम्हें बता देना चाहिए था, हम 2 सेट और बनवा लेते। क्यों?
हम अगर मुझे पहले पता होता कि आपके पास ये सेट पड़े हैं तो मैं इन्हीं में से दो ले लेती। इसी तरह आपकी कोई निशानी भी मेरे पास होती। बस जज्बाती हो गई हूँ। अच्छा ऐसा करो, केसेट तुम रख लो। मुझे ख्याल ही नहीं रहा, नहीं तो मैं तुम्हें पहले ही दे देती है। नहीं मम्मा, ये नवाल आप ही का हक है, ये आप उनके लिए रखें, मैं नहीं ले सकती। अरे फलक, हम दो थोड़ी हैं। और कोई बात नहीं, मेरी शादी का वक्त आएगा तो हम नए बनवा लेंगे, क्यों अम्मी? तुम रखो, कोई बात नहीं। चलो चुपचाप पकड़ो इसे, बातें ना बनाओ, जाकर अलमारी में संभाल के रखो। आप लोग इतना इसरार कर रहे हैं तो रख लेती हूँ, मगर मामा मेरा दिल नहीं है। बस कर दो फलक, जाके रख लो। हम सबको रुलाना चाहती हूँ, उठो चलो संभालो इसे, अलमारी में रखो जाकर। थैंक यू मामा, बट थैंक यू सो मच। बच्चा क्यों आप ही मोस्ट हो? नहीं रखती हूँ। जाओ संभाल के रखना। अरे आप पे वो हर चीज में हो जाती है। लेकिन कितनी जज्बाती है ना, ध्यान ही नहीं रहा मुझे। अच्छा सुनो, आल्फा की कॉल आई थी, वो लोग कल 2 बजे आएंगे। तुम जरा देख लेना सारे इंतजाम ठीक हों, किसी चीज़ की कमी ना रहे। मैं देख लूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, वो मिस नवाल का डेजिग्नेशन है। तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? बेटी के घर आते हुए खाली हाथ अच्छा लगता है। अच्छा बैठी है तो सही थी। बैठो बेटा, बैठ। वैसे आप लोगों ने ये बहुत ज्यादा तकल्लुफ किया है, शर्मिंदा कर दिया आपने। अर्शद को तो ये भी कम लग रहा था। तकल्लुफ कैसा आंटी, ये समझ लीजिए हमारी खुशी है। आरफा बहन नहीं आई साथ? भाईजान मेरी बात हुई थी, वो कह रही थी किसी इमरजेंसी में बिजी हैं, कहीं एक आध दिन में चक्कर लगाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। अर्शद बेटा आप क्या करते हैं? अंकल मैंने आईटी में मास्टर्स किया हुआ है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दरअसल अर्शद के वालिद की डेथ के बाद घर की सारी देखभाल की जिम्मेदारी अर्शद के कंधों पर है। भाई को पढ़ाया लिखाया, मेरा बहुत देखभाल करता है माशाल्लाह से, और मेरा बच्चा बहुत ही जिम्मेदार और प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। वो लोग आ गए और आप तैयार नहीं हुई? मैं तैयार हूँ। हाय अल्लाह, कोई सूट तो ढंग का पहन लेती। ठीक तो है क्या ऐसे? सूट तो फिर भी ठीक है, मेकअप तो थोड़ा डार्क कर ले, यहाँ बैठे तो मेकअप होता। मुझे पहले पता था ना आपने ये सब करना है, तो पहले आके खुद ही आपको तैयार कर देती। ठीक तो लग रही हूँ ऐसे करें। हाँ अब अच्छी लग रही हैं आप। आपको पता है दूल्हे भाई को देखा मैंने, बहुत हैंडसम लग रहे हैं। वहाँ खाओ सब। ठीक है चले चले। अच्छा एक सेकंड भाई, इलाज भी जल्दी करें। रास्ते में पहन लेना। चलो 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 चलो।
ये मेरी बड़ी बेटी नवाल है और ये छोटी फलक। आओ बेटा मेरे पास आके बैठो। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बेटी है आपकी। बहुत शुक्रिया। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। बात सारे नसीब की होती है। अर्शद के एक दो और भी प्रपोजल हैं, मगर अर्शद का कहना है कि शादी ऐसी लड़की से करूंगा जो सुलझी और समझदार हो। इसलिए मैंने आरफा से जिक्र किया तो उन्होंने आप लोगों के बारे में बताया। बस यूँ समझ लीजिए कि किस्मत हमें आपके दरवाजे पे ले आई है। नवाज जॉब करती है। फिर कोई एतराज नहीं है, बल्कि शादी के बाद अगर चाहे या ना चाहे हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं होगी। आफी थोड़ा सा मुस्कुराए और सब भाई को यह ना लगे कि आप कुछ नहीं है शादी से। ऐसे आपके ससुराल वाले बड़े खुश अखलाक हो गए। भाई फलक जी, मामा चाय का इंतजाम तो करो, लेकर आओ। जी अच्छा। भाई साहब अर्शद आपके सामने है, आपने जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। आप अपनी तसल्ली कर लीजिए और फिर जब आपका दिल चाहे घर पे तशरीफ ले आइएगा। हमें इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं है। जी जरूर बहन, इंशाल्लाह हम आपके घर आएंगे। सर वालेकुम सलाम। सर वो मिस नवाल का डेजिग्नेशन है। आप दो चार दिन में उन्हें कॉल करें और उनसे कहें कि मैंने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया, उनसे फॉरन ऑफिस ज्वाइन करने के लिए। ओके सर। और अगर वो इनकार करते तो उनसे कहें कि अपना अग्रीमेंट पूरा करें, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय अपना अग्रीमेंट पूरा किए बगैर रिजाइन नहीं कर सकता, और जो कंपनी के रूल्स फॉलो नहीं करेगा उसको कंपनी सू कर दे। ओके सर। ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें सब कुछ छोड़कर जाने नहीं दूंगा। गैर इरादी तौर पर ना तुम ऐसा चाहती थी ना मैं, और वैसे एक ना एक दिन तो सबको पता लगना था ना। आज पता लग गया, क्या फर्क पड़ता। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं और तुम मुझे। कुछ पूछेंगे नहीं आप मुझसे? बहुत से कंसर्न्स होते हैं लाइफ पार्टनर को लेके। कंसर्न्स तो है, लेकिन कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। हमें उसे उसकी खामियों और खूबियों के साथ कबूल करना पड़ता है। लेकिन आपकी दूसरों को रिस्पेक्ट देने की आदत मुझे अच्छी लगी। आरफा आंटी ने जैसा आपके बारे में बताया आप बिल्कुल वैसे ही हैं।
क्या बताया उन्होंने आपको मेरे बारे में? यही कि आप बहुत मैच्योर हैं और मुझे मैच्योर लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि वो रिश्तों को निभाना जानती हैं। जब मैंने आपके बारे में सुना तो मेरे मामा को फौरन बोल दिया कि मैं आपसे ही शादी करूँगा। देखिए बात यह है कि मैं अपने काम को बहुत सीरियसली लेती हूँ। मैं पूरा दिन काम पे होती हूँ और फिर शाम में बल्कि कभी कभी रात में घर आती हूँ। आप फिक्र मत करें, मेरे घर में नौकरानी है जो बहुत अच्छा खाना बनाती है और मैं बहुत अच्छी कॉफ़ी। जब आप काम से वापस आया करेंगी तो हम खाना खाकर साथ में कॉफ़ी पिया करेंगे। नवाल, मुझे वो लड़कियाँ अच्छी लगती हैं जो दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होती हैं, जो अपने बलबूते पे जिंदगी जीती हैं, अपने फैसले लेती हैं, जैसे कि तुम। मुझे वो मर्द पसंद हैं जो सच बोलते हैं, चीट नहीं करते। झूठ रिश्ते को कमज़ोर कर देता है, ऐसी बुरी आदतें नहीं हैं मुझ पर। अच्छा लगा आपसे मिलकर। क्या चल रहा है बेगम साहबा? ये देखिए ना आप, मैंने फलक के लिए जो बड़ी के लिए कपड़े नहीं बनाए थे सारे आ गए, प्यारे हैं ना। अरे वाह, लेकिन भाभी एक बार आप फलक से भी पूछ लेते ना, वो शायद इस तरह के कपड़े ना पहनते हो। अबे शादी के कपड़े ऐसे ही होते हैं, इसके याद है इनसे भी ज्यादा हैवी थे। तो तुम्हें क्या लगता ये सब कुछ फलक की मर्जी के बगैर हुए? फिक्र मत करो, ये सब कुछ फलक ने अपनी पसंद से लिया है। अच्छा तो ऐसे गए ना, फिर तो ठीक है। अच्छा वो मुंह दिखाई का सेट ले लिया तूने? हाँ ले लिया मैंने। ऑफिस का क्या चल रहा है? मैं तो बिल्कुल आउट ऑफ टच हूँ। एवरीथिंग ओके एट वर्क? या ऑल गुड। कल हमारी सप्लायर्स से मीटिंग है और भाभी मैं चाह रहा हूँ कि कल थोड़ा वक्त निकाल के अगर आप ऑफिस आ जाएं तो अच्छा हो जाएगा, मुझे भी दो तीन काम है। ओह हेलो भाई, चक्कर ही कोई नहीं, कल माइयों है, कल भी ऑफिस। हद हो गई यार भाई, क्या करें हमारा बिजनेस ही ऐसा है। मायूं शाम में, दिन में वैसे भी ज़्यादा चीज़ें नहीं करने को, मैं आ जाऊँगी ऑफिस का चक्कर लगा लूँगी, फिक्र नहीं करो। एक तो ऐश्वर तुम दोनों को ना नोट छापने के अलावा और बिजनेस के अलावा कुछ नहीं सोचते। एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर तू अपनी शादी पर। मुझे तो बहुत अच्छे लोग लगे और अजियत ने तो मुझे बहुत ही मुतासर किया। सफदर भाई आज के दौर में कहाँ होते हैं इस तरह के लड़के। बात तो तुम्हारी ठीक है, मुझे भी वो फैमिली बहुत पसंद आई। क्यों फरिया, कैसे लगे तुम्हें वो लोग? हाँ इसमें कोई शक नहीं, फैमिली वाकई बहुत अच्छी है। बस फिर ठीक है, फलक की शादी के फौरन बाद हम लोग उनके घर चले जाएंगे ताकि घर बार देख लें। क्या कहते हैं आप लोग? भाई नवाल से भी पूछ लो कि उसकी क्या राय है। क्यों बेटा कैसा लगा असजद तुम्हें? आप लोग बड़े हैं, आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। बेटा मुझे तो वो फैमिली बहुत पसंद आई और सुल्ताना को भी बहुत पसंद है। तो पर ठीक है, फलक की शादी हो जाए तो उसके बाद जाके उनका घर बार देख लेंगे और बाकायदा रस्म कर लेंगे। ठीक है, बस अल्लाह पाक मेरी बच्चियों की नसीब बहुत अच्छे करें। आमीन आमीन।
आप मेरा जूता खा लें ताकि आपकी भी शादी जल्दी जल्दी हो जाए। खाएंगे। लो भाई, अब तो नवाल की शादी हुई पक्का।